भगवान राम के लिए, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, अपने लिए तो नहीं करते स्वाहा, भगवान के लिए स्वाहा। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ रूपी कर्म करिए, यत करोषि यदस्नासि यज्जिहोस ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम्। जो करो, जो खाओ, जो हवन करो, जो तपस्या करो, तत्कुरुष्व दर्पणम्, मेरे लिए करना। सात दिन इतनी मुश्किल से रह करके हम जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं ना, जब सातवें दिन कथा पूरी हो तो हाथ जोड़ करके अपनी भावना बनाकर सीधे कह दीजिएगा, प्रभु सात दिन जो हमने भागवत सुनी है ये वासुदेव अर्पण वस्तु आपके चरणों में समर्पित है, हमारी ये कथा आपके चरणों में समर्पित है। रोज हम लोग भगवान का पूजन आराधन करते हैं, संकल्प करते हैं, संकल्प करके आखिरी में कह देते हैं भगवत प्रीत्यर्थम अमुक कार्य महम करिष्ये, ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित है। पूजा ही करनी है तो हम ग्वालवंशी हैं, हमारी पूजा है गायों की सेवा करना, तो गायों की सेवा करो। और पूजा ही करने का शौक है तो प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज के रूप में जो विराजमान है, आप गिरिराज का पूजन करिए। लाला ये तो नई परंपरा है, इतने वर्षों से इंद्र का पूजन छोड़ के अब इस पर्वत का पूजन करें। कहा हाँ पुरानी परंपरा को मानना अच्छी बात है, लेकिन रूढ़िवादी बन करके नहीं। यदि कोई नई परंपरा, अच्छी परंपरा मिल रही है तो पुरानी परंपरा को छोड़ने में कोई नुकसान नहीं होता। तब गिरिराज के पूजन की तैयारी करिए। कैसे पूजन होगा, विधि नहीं मालूम? बोले कोई विधि नहीं, भोजन बना लो, प्रभु को भोजन ही पसंद है। ठीक है, तैयारी हुई, 56 प्रकार के भोग, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, लाला भोजन तो तैयार है, अब पूजन करें। कैसे पूजन होगा, बोले स्नान कराओ। अब इतने बड़े पर्वत को कौन स्नान कराए, अभी स्नान हो रहा है, इतने बड़े पर्वत को स्नान कैसे कराएंगे? अब शालिग्राम होते तो एक गिलास जल डाल देते, नहा लेते। ये तो सात कोस का भगवान है, कैसे नहाएगा? बोले इसको गंगा ही स्नान कराएंगे, प्रार्थना करिए। सबने मिलकर गंगा को आवाहन किया, प्रार्थना किया, गिरिराज को स्नान कराने के लिए मानसी गंगा का प्रागट। बोल मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा ने गिरिराज को स्नान कराया, दूध से अभिषेक किया गया, चंदन पुष्प मालाएं समर्पित की गईं, धूप किया गया, दीप किया गया, अब नैवेद्य समर्पित किए गए, अब भगवान को 56 भोग समर्पित कर दिए गए। यहां भी देखिए भगवान को बढ़िया व्यवस्था की गई है, 56 भोग की बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम शास्त्री जी ने मंगवाए हैं, और डिब्बे तो इतने ज्यादा लग रहे हैं कि 56 से भी ज्यादा ही हो सकते हैं, हैं बहुत। अब भगवान थोड़ा देर भोजन करेंगे, भोग स्वीकार करेंगे। आप केवल मनुहार करिए, केवल प्रार्थना करिए और सुनिए बैठे बैठे कि यहां आइटम क्या क्या है। आइटमों का नाम आपको गिनाएंगे अभी अमर शास्त्री जी, लेकिन जो आइटम ये गिनाए हैं, यदि उनमें से कोई आइटम यहां ना दिखाई दे तो मानसिक रूप से समर्पित कर दीजिएगा। नाम बहुत सारे ये बताएंगे, अब उसमें से हो सकता है कुछ आइटम यहां पे ना हो, जो आइटम आपको यहां ना दिखाई दे मन से सोच लीजिएगा कि प्रभु हम आपको ये आइटम भी दे रहे हैं। आइए चलते हैं, प्रभु का मनोहार करें और उनको समर्पित करते हैं 56 भोग। आओ आओ समरिया बेगा, आओ जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तारा समरिया करे I'm gonna make it।
आइटम की ओर चलते हैं। भगवान को सबसे पहले मिठाई समर्पित करनी है, कौन कौन सी मिठाई है उसको सुनिए। केसरिया बरफी गला कंद रबड़ी पेड़ा की मरती बालू साही, केसरिया बरफी गला कंद केसरिया बरफी गला कंद रबड़ी पेड़ा की मरती बालू साही, केसरिया बरफी कला कंद रबड़ी बालू साही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर लाला जीमो जीमो हो जीमो, आओ जी गोद लगाओ जीमो जीमो लगाओ, है छप्पन भोग तैयार मारा सारैया करे आइटम की ओर चलते हैं। नमकीन भी खिलाना प्रभु, दाल मोटी पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो, दाल मोटे पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो, दाल मोटी पकौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो, दाल मोटे पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो, कढ़ी राबड़ी सागु सांगरी, कढ़ी राबड़ी सागु सांगरी, बाजरे को बाबा खिचड़ो, राय तुम्हें जीरक तड़पो, पियो माल सबड़पो, साज बाजे चटनी चढ़ाओ, जीमो जी भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार हर डबरिया करे मनोहर, आओ सावरिया बेटा आओ जीमो जी भोग लगाओ, है छप्पन भोग तैयार हर डबरिया करे मनोहर।
नींबू खाटो थोड़ा छिटकाओ, थोड़ा छिटकाओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार। मारा सावरिया करे बनवारे, सावरिया करे बनवारे, आओ आओ सावरिया देखाओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार। मारा सावरिया करे बनवारे, मारा सावरिया करे बनवारे। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खिला दें, फ्रूट्स के बाद अब ड्राई फ्रूट्स। काजू किशमिश नौचा कुरमानी, खोपरा छुहारा बादाम ले ओ, काजू किशमिश नौचा कुरमानी, खोपरा छुहारा बादाम ले ओ, जिम जुट और आजू मन कर के फिर थोड़ा आराम ले ओ, जिम जुट और आजू मन कर के फिर थोड़ा आराम ले ओ, सौंफिला जी हाजिर कर दी, सौंफिला जी हाजिर कर दी, साग मिश्री धर दी, सोई नारी ओ पानी चबाओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार। हरा टावरी करे मनोहारे, हरा टावरी करे मनोहारे।
लगाओ है छप्पन भोग तैयार हुआ। स्वयं भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर समर्पित किए हुए 56 भोग को ग्रहण करते हैं। आज दो दो रूप हैं, एक रूप से भगवान पूजन कर रहे हैं और दूसरे रूप में स्वयं भगवान पूजन स्वीकार कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण किया गिरिराज का ब्रजवासियों ने, लेकिन इंद्र को पता चल गया इस बार ब्रजवासियों ने हमारा पूजन नहीं किया, अभिमानी देवता है, क्रोध में आया, सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश किया, इतना पानी बरसाओ ब्रज डूब जाए। मूसलाधार वृष्टि हुई, सारा ब्रज डूबने लगा, पशु पक्षी व्याकुल हो गए, बाल बाल भयभीत हुए। जय भगवान के पास प्रभु। हमने पहले ही कहा था यदि इंद्र ने क्रोध किया तो उसके कोप से कोई बचा नहीं सकता प्रभु, अब कौन रक्षा करे। भगवान ने कहा जिसका पूजन किया है वही रक्षा करेगा। गिरिराज के पास चले, पहुंचे गिरिराज जी के पास, पूजन किया, प्रार्थना किया। सामूहिक प्रार्थना में श्रेष्ठता होती है। भगवान ने कहा सब अपनी आंखें बंद कर लो, सबने आंखें बंद कर ली। 7 कोस का गिरिराज पर्वत पुष्प के समान हल्का हुआ। और आज भगवान ने जैसे कोई छोटा सा बालक खेल खेल में छाता उठा ले, छत्राक में वो बालक, ऐसे ही भगवान ने अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नख के अग्रभाग पर समूचे गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया।
बोल के राज धैर्य भगवान की जय हो। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार वृष्टि हुई। भगवान ने 7 दिवस पर्यंत उस पर्वत को धारण करके रखा। सुदर्शन चक्र को जल सुखाने के लिए नियुक्त किया। 7 दिन का ये अद्भुत वैभव जब इंद्र ने देखा, समझ गया भूल हो गई, ये तो साक्षात भगवान है, सामर्थ्यवान है, क्षमा मांगनी चाहिए। स्वर्ग से इंद्र ऐरावत लेकर के आए, भगवान से क्षमा मांगी, पर्वत यथावत स्थापित किया गया। इंद्र ने भगवान का पूजन किया, अभिषेक किया। समस्त देवताओं के साथ आज ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने भगवान का पूजन पुनः करके गोवर्धन पूजन का आनंद लिया है। आज हम लोगों के भी जीवन का यह परम सौभाग्य है कि इस पावन क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत गोवर्धन पूजा, गोवर्धन महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर हमें आपको मिला है। आइए उसी वृक्ष के भाव को लेकर हम आप सब गिरिराज जी के पास चलें, उनका पूजन करें, उनका प्रसाद ग्रहण करके आज की कथा के प्रसंग को सुखदेव जी के चरणों में यहीं पर समर्पित करते हैं।